राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज के इस नए सेशन टॉक विद आशु चर्चा कुछ अध्यात्म की में आपका स्वागत है। और आप लोगों को पता है कि ये एक नया एपिसोड है और मैं एवरी डे डेली 12 बजे एक वीडियो डालती हूँ जिसमें मैं आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। जो पूछे गए प्रश्न होते हैं वो अध्यात्म से संबंधित होते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 4129205065 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मुझे केवल आपको मैसेज करना है, मैं वीडियो के माध्यम से आपका रिप्लाई दूंगी। आपका रिप्लाई एक या दो दिन में, दो दिन की वीडियो में आ जाएगा। मान लीजिए आपने मुझे आज प्रश्न पूछे हैं तो आपका रिप्लाई कल या परसों की वीडियो में अवश्य आ जाएगा। आपको थोड़ा इंतजार करना है। व्हाट्सएप पे मैं किसी का भी रिप्लाई नहीं देती हूँ, कृपया फोन कीजिए मत। या फिर आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। चलिए अधिक विलंब ना करते हुए आप लोगों के प्रश्न, चलिए आपका पहले क्वेश्चन आप लोगों का ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मैं दिल्ली से हूँ, रेखा शर्मा, आपकी बहुत बड़ी फ्रेंड हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मेरा एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर कन्हैया जी सपने में दिखाई दे तो इसका क्या अर्थ है? कन्हैया जी अगर सपने में दिखाई देते हैं तो ये बहुत शुभ संकेत माना जाता है, बहुत अच्छा शगुन होता है। दीदी, जब हम माधव को अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं तो थोड़ा सा भोग गिर जाता है, इसका क्या अर्थ होता है? कृपया करके बताइए। जब बाल गोपाल कन्हैया जी माखन खाते थे, आपने बाल लीलाओं में सुना होगा, जब कन्हैया जी माखन खाते थे, आधा माखन पृथ्वी पे गिराते थे, आधा मुख पे लगा होता था, आधा गाल पे लगा होता था, माथे पे लगा होता था, तो ये कन्हैया जी की लीला ही होती है। बालक है, जब तक भोजन गिराए ना तब तक कैसे समझ में आएगा कि बालक ने भोजन किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है, आप कब से भागवत सिखाओगे? आप प्लीज मेरा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, मैं बहुत जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी कि मैं भागवत सिखाऊं और ये एपिसोड मैं लेके आऊं, लेकिन जब तक नहीं सिखा पा रही हूँ तब तक के लिए माफी चाहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा नाम पूनम है और मैं गुजरात से हूँ। मैं आपको आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मेरे पास लड्डू गोपाल हैं पर लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करती हूँ। आप मेरे को बताओ कि लड्डू गोपाल की पूजा करनी जरूरी है क्या? लड्डू गोपाल को मैं भाई मानती हूँ। देखिए, चाहे आप भाई मानिए, चाहे आप बेटा मानिए, चाहे आपका उनसे कोई भी रिश्ता हो, लेकिन उनकी पूजा अर्चना वंदना करना आवश्यक है, क्योंकि वो आपके साथ आपके रिश्ते में है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भगवान के स्वरूप है, इसलिए उनकी पूजा अर्चना वंदना करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, आपकी बच्ची अभी बहुत छोटी है, फिर भी आप इतने सारे काम कर रहे हो, आप धन्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब प्रभु की इच्छा है, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। मेरी क्या औकात, जब तक वो कुछ ना करे तब तक मेरी क्या औकात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कथा अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पिछले सवाल का जवाब दिया था, उसके लिए भी धन्यवाद। क्या भागवत की कथा खुद कर सकते हैं, दिन में दो बार कभी भी कर सकते हैं या शाम को ही कर सकते हैं? कृपया करके मुझे बताइए। देखिए, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि किसी और से भागवत कराने से अच्छा है आप खुद ही कथा कीजिए। आप भागवत का पूरी पुस्तक ले लीजिए, दो पुस्तक आती है, अगर हिंदी में आती है, हिंदी में करनी है तो भागवत के दो खंड आते हैं, प्रथम खंड द्वितीय खंड, दोनों ले लीजिए। अगर संस्कृत में करनी है तो मूल भागवत ले लीजिए। और आप सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे उसमें जरूर दीजिए। 7 दिन में आपकी भागवत कंप्लीट हो जाएगी और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। किसी भी कथावाचक को हायर करने की जरूरत नहीं है अगर आप भागवत स्वतः ही कर देते हैं तो। क्या मुझे करनी चाहिए, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल सकती है? भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है कि जो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिला सकता है। तो अगर आप भागवत कराने में सामर्थ्य है तो किसी अच्छे कथावाचक से आप भागवत करा सकते हैं, लेकिन अगर आप भागवत कराने में सामर्थ्य नहीं है तो आप स्वतः ही कथा पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा नाम अनीता है। मेरा प्रश्न यह है कि द्वादशी को सरसों का तेल में खिचड़ी बना सकते हैं क्या? कोशिश कीजिए कि द्वादशी पर जो आप तेल का उपयोग कर रहे हैं वो घी का उपयोग करें। द्वादशी पर सुबह सुबह का भोजन बनाने के लिए घी का उपयोग करें, लेकिन अगर घी नहीं है तो सरसों के तेल में भी खिचड़ी बनाई जा सकती है। दीदी, मैं पूजा पानीपत से हूँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे पास एक तो बड़े लड्डू गोपाल हैं और एक छोटे लड्डू गोपाल हैं, एक राधा रानी भी है। श्री हरिदास जी घर आए हैं, उनकी सेवा करनी है,
कैसे कपड़े पहनाने हैं, कैसे क्या जानना है, कृपया करके बताइए, कहीं कोई गलती ना हो जाए अनजाने में। देखिए लड्डू गोपाल आप लोगों के घर पे हैं, आपको पूजा अर्चना वरना करनी चाहिए, लेकिन अगर श्री हरिदास जी आपके घर पे आते हैं तो उनको सफेद रंग के वस्त्र समर्पित की जाते हैं। श्री हरिदास जी को सफेद रंग की धोती पहनाई जाती है और ऊपर से एक पटका डाला जाता है, जिसकी ये पटका ना इसका कलर व्हाइट होता है, तो ऊपर से एक पटका डाला जाता है और तुलसी की माला उनको पहनाई जाती है। इस प्रकार से श्री हरिदास जी को गुरु मान के उनकी पूजा सेवा अर्चना करनी चाहिए। समझ में आ गया आपको, एक गुरु की तरह उन्हें सफेद रंग की धोती, सफेद रंग का पटका और तुलसी माला आपको अवश्य और अवश्य पहना। दीदी आप कहते हो कि लड्डू गोपाल को 5 बार भोग लगाना चाहिए, तो क्या जब भी भोग लगाएं तब स्नान करें? लड्डू गोपाल के पास जाने के लिए स्नान करना जरूरी नहीं है, आप सुबह स्नान करिए, सुबह और शाम का स्नान बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी बीच में जो 3 बार आप भोग लगा रहे हो उसमें याचमन भी कर सकते हैं। याचमन मतलब अच्छे से हाथ धोइए, अच्छे से पैर धोइए, कुल्ला कीजिए, हल्का सा छिड़काव अपने बालों पे कीजिए, क्योंकि बाल गोपाल लड्डू गोपाल के पास जाने के लिए शुद्धता बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते। मुझे ये भी पूछना है कि खाटू वाले बाबा और कन्हैया एक ही है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान के अनेक रूप हैं और भगवान की अनेकों कथाएं हैं। खाटू वाले बाबा भी भगवान का ही स्वरूप माने जाते हैं और भगवान के ही अंश अवतार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, राधा रानी की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? राधा रानी की कृपा केवल नाम संकीर्तन से प्राप्त कर सकते हैं। बिहारी जी से मांगिए कि बिहारी जी आपको राधा रानी की कृपा प्राप्त कराएं, बाकी बिहारी से मांगिए कि राधा रानी की कृपा प्राप्त कराएं और राधा रानी से मांगिए कि बिहारी जी की कृपा प्राप्त कराएं। अपोजिट, अगर वृंदावन में वास चाहिए तो बरसाने में जाके राधा रानी से प्रार्थना कीजिए, अगर बरसाने में वास चाहिए तो वृंदावन में बाकी बिहारी जी से प्रार्थना करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, एकादशी का व्रत में टूथपेस्ट नहीं कर सकते हैं, द्वादशी की सुबह टूथपेस्ट कर सकते हैं? हाँ, द्वादशी की सुबह जब आपको व्रत खोलना होता है, व्रत का पारायण करना होता है, तो टूथपेस्ट कर सकते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा नाम माधुरी शर्मा है एटा से और मैं एटा से हूँ। मेरा क्वेश्चन यह है कि राधा कृष्ण मेरे इष्ट देवता हैं, मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ, दीदी कुछ सजेशन दीजिए कि मैं किस संप्रदाय से दीक्षा लूँ, प्लीज दीदी मेरा मार्गदर्शन जरूर कीजिएगा। देखिए जिस भी, मैं हमेशा कहती हूँ जिन गुरु से आपका मेल हो जाए, मेल अर्थात जिनसे आपका मन मिल जाए, आप उस संप्रदाय से दीक्षा लीजिए। आपने बड़े सारे तिलक देखे होंगे, कोई लंबा तिलक होता है, कोई यहाँ तक का तिलक होता है, कोई इस्कॉन का तिलक होता है, तो जिस संप्रदाय से आपका मेल मिल जाए, अर्थात आपको उस गुरु को अच्छा लगने लगे, आपके उस गुरु के प्रवचन अच्छे लगने लगे, आपको उस गुरु की वाणी अच्छी लगने लगे, तो उसको मन ही मन में आप गुरु धारण कर लीजिए और जब भी आप उससे मिले हो तब आप उनको दीक्षा ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते। हेलो दी, राधे राधे, मैं मेरठ से हूँ, अंशु नाम है मेरा। मेरा क्वेश्चन यह है कि क्या तुलसी का पौधा छत पर लगा सकते हैं या नहीं? हाँ, छत पर आप तुलसी का पौधा लगा सकते हो, कोई मना ही नहीं है, लेकिन आपने वो सुना होगा तुलसी आंगन की, अगर तुलसी का पौधा आंगन में लगाया जाता है तो बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है, लेकिन छत पर भी आप तुलसी का पौधा लगा सकते हो, छत पर आराम से तुलसी का पौधा लगाइए। तुलसी जितनी ही ज्यादा घर में होगी उतनी ही आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा अपार बनी रहती है, सुख समृद्धि शांति आपके घर पे बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोगों का। सॉरी दीदी, मेरे क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं बट आंसर जरूर दीजिएगा। दीदी मैंने लड्डू गोपाल की सेवा शुरू करी है, सिर्फ पूजा कर रही हूँ फैमिली के साथ, तो इस एकादशी से व्रत स्टार्ट कर दूं? मैं चाहूंगी कि आप निर्जला एकादशी से व्रत प्रारंभ कीजिए। ठीक है, वैसे तो किसी भी एकादशी से व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन 3 एकादशी ऐसी होती हैं जिनसे व्रत का प्रारंभ करना सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी, यहाँ से एकादशी की स्टार्टिंग हुई थी, निर्जला एकादशी जो कि अभी आएगी जून के महीने में, जेठ मास की एकादशी, और देव उठनी एकादशी। इन 3 एकादशी से आप अगर व्रत का प्रारंभ करते हैं तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। मैंने आज सपने में देखा कि मेरी मम्मी बोल रही थी कि लड्डू गोपाल को दूध पर पिला दो, चाहे नाम भी रख लो। मुझे ऐसा लगा जैसे कन्हैया जी भूखे हैं और वो बोल रहे हैं कि मुझे भूख लगी। देखिए जैसे ही बाल गोपाल लड्डू गोपाल घर पे आते हैं, जैसे ही बाल गोपाल लड्डू गोपाल घर पे आते हैं, वैसे ही अनेकों लीलाएं होनी प्रारंभ हो जाती हैं, अनेकों लीलाएं होनी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि बच्चा घर पे आया है तो वो कुछ एक्टिविटी तो करेगा ही। अनेकों लीलाएं, चाहे वो सपने के माध्यम से हो, अच्छे अच्छे संकेत आना चालू हो जाएंगे, अनेकों लीलाएं करेंगे। आपने देखा होगा अगर कोई मुकुट उनको पसंद नहीं है तो वो मुकुट गिरा देते हैं, पहनते नहीं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, एक बार मेरे लाला ने सोने की बाली तक खोई है, आप सोचो मेरे लाला ने, क्योंकि उसको वो सोने की बाली पसंद नहीं थी, उसने वो सोने की बाली खो दी। चांदी के तो वो अनगिनत खो चुका है मेरा लाला, लेकिन सोने की बाली भी मेरे लाला ने खोई है एक बार,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दीदी कहते हैं लड्डू गोपाल को खाना खिलाने के बाद उन्हें आचमन कराना चाहिए जिससे भगवान को हम पानी पिलाते हैं, क्या ये ठीक है? अगर हाँ तो ये प्लीज ये भी बताइए कि आचमन कैसे कराते हैं। देखिए आचमन अर्थात भगवान को एक कटोरी में पानी लेके आइए। जैसे कि आप होटल में खाना खाने जाते हो ना, लास्ट में आपके पास एक कटोरी आती है, उसमें नींबू पड़ा होता है आपके हाथ धुलाने के लिए। वैसे ही जब भगवान संपूर्ण तरीके से खाना खा ले, पानी उनके पास रखिए पीने के लिए, फिर एक कटोरी में दूसरा पानी लेके आइए और एक साफ रुमाल लेके आइए, उनके हाथ धुलाइए, उनका मुख साफ कीजिए और उनके हाथ अच्छे तरीके से पहुंचिए, उनके पैर धुलाइए। तो ये होता है आचमन कराना। खाना खाने से पूर्व और खाना खाने के बाद भगवान को आचमन कराना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी। दीदी मेरा प्रश्न ये है कि भगवान को भोग कैसे लगाते हैं? हमारे घर में अग्नि पे रख देते हैं, अर्थात उपला कंडा होता है, अग्नि पे भोग लग देते हैं, ऐसे ही भोग लगाया जाता है, क्या ये सही तरीका है? और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरा बेटा सुबह स्कूल जाता है, उसको रोटी पहले बनती है, बाद में हम कन्हैया जी की बनाते हैं, सुबह सुबह मैं उनको केवल दूध का भोग लगा देती हूँ और शाम को मैं चाहती हूँ कि उनको गर्म गर्म रोटी खिलाऊं, इसलिए जब मैं अपने लिए रोटी बनाती हूँ तब कन्हैया जी के लिए रोटी बनाती हूँ। पहला क्वेश्चन आप बताते हैं कि कन्हैया जी को भोग कैसे लगाते हैं? कन्हैया जी को अग्नि पे भोग नहीं लगाया जाता, ठीक है, ये अग्नि देवता का भोग है मात्र, केवल अग्नि देवता को, ये तो एक यज्ञ हो गया। कन्हैया जी को आपको एक थाली लेनी है, अच्छी साफ सुथरी कन्हैया जी के आप ले लीजिए, कन्हैया जी की थाली इत्यादि, उसमें थोड़ी सी सब्जी रखिए, उसमें रोटी रखिए, चावल रखिए, अचार रखिए, जो भी आपके घर पे बना है, सलाद काटिए और कन्हैया जी के सामने रख दीजिए। कन्हैया जी दृष्टि भोग सोते लगा देंगे, थोड़ी घंटी बजा दीजिए, ताली बजा दीजिए तो कन्हैया जी, और दरवाजा फेर दीजिए तो कन्हैया जी दृष्टि भोग खुद लगा लेंगे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि भगवान को तोड़कर 5 बार उनके मुख में वो भोजन डाला जाता है, तो इसे कहते हैं दृष्टि भोग, अर्थात भगवान दृष्टि भोग भी कबूल कर लेते हैं। 5 बार उनको खिलाइए, उसके बाद थोड़ी देर के लिए वो खाना वहीं पे रख दीजिए, फिर आ जाइए। तो इस प्रकार से कन्हैया जी को भोग लगाया जाता है। दूसरा प्रश्न आपने बोला है कि आप पहली रोटी अपने बच्चे की बनाते हैं। सबसे पहले प्रथम रोटी आपको गौ माता की बनानी चाहिए, ठीक है ना, उसके बाद आप अपने बच्चों को भोजन करा दीजिए। उसके बाद आपका ये भाव बहुत अच्छा है कि कन्हैया जी को गरम गरम रोटी आप खिलाना चाहते हो, तो ये भाव भी बहुत अच्छा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आटा संभाल के रख दिया, फिर जब आपने गरम गरम रोटी अपने लिए, तो ये भाव भी आपका बहुत अच्छा है। मैंने कहा ना भगवान भाव के भूखे होते हैं, सब्जी के झूठे भेर खा लिए थे उन्होंने, मीराबाई का जहर का विष का प्याला पी लिया था, तो भगवान भाव के भूखे होते हैं, जिन्होंने सब्जी के झूठे भेर खा लिए, विदुर रानी के छिलके खा लिए, तो सोचिए भगवान भाव के कितने भूखे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, मेरा नाम ज्योति है, मेरे लाला 27 फरवरी 2013 को आए थे। दीदी आपने लाला की, मैंने अपने लाला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी थी, लाला की सेवा ऐसे ही करती हूँ, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। लाला में पूजा करते करते स्वतः ही प्राण आ जाते हैं। जब भगवान में पूजा करते करते स्वतः ही प्राण आ जाते हैं, तो आपको भगवान की विशेष पूजा अर्चना वंदना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ले लेते। दूसरा क्वेश्चन है, 2-3 दिन पहले मेरे लाला ने चमत्कार किया था, वो डेली 2-3 बार दूध पीते हैं, आप मेरे लाला का नाम रख दो। वैसे मैं अपने लाला को गोपू बोलती हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना और अपने पति का नाम भेजिएगा, तो मैं उसके मैच से जो भगवान के 1000 नाम है वो नाम आपके लड्डू गोपाल के दूंगी। जैसे कि मेरे बाल गोपाल लड्डू का नाम है सुतांतु, उसका अर्थ है भगवान शिव और भगवान विष्णु का मिलन, भगवान शिव का और भगवान शिव का मिलन ही सुतांतु, और भगवान के 1108 नामों में से एक नाम सुतांतु है, और ये नाम मेरे हस्बैंड और मेरे से भी मैच खा रहा है। इसी प्रकार से आप अपना और अपने हस्बैंड का नाम मुझे भेजिएगा, तो मैं उसके मैच से आपके बाल गोपाल लड्डू गोपाल का नाम रख दूंगी। और अगर आपके भगवान चमत्कार करते हैं तो ये बताने वाली बात नहीं है, ये गोपनीय बात होती है, इसको किसी से शेयर मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी मेरा नाम ज्योति है, मेरे लाला 27 फरवरी को मेरे यहाँ पे आए, मैंने उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी है, उनकी सेवा करती हूँ, मेरे लाला दूध पीते हैं, जब मैं लाला की सेवा करती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं, मेरे लाला स्वतः अपने मेरे घर पे आए हैं, उन्हें मतलब उनको किसी ने उपहार स्वरूप लाला को दिए हैं, प्लीज आप मेरे लाला का नाम रख दो, मैं आपकी वीडियो डेली देखती हूँ। आप, मैंने आपसे बोला ना, अगर आपको पूजा करते हुए आंखों से आंसू आ रहे हैं तो ये भक्ति की प्रतिशास्ता है, मतलब आप
एक दो तीन चार पांच सीढ़ी चढ़ रहे हैं। जब आप सीढ़ी चढ़ रहे होते हो तब आप छत पे पहुंच पाते हो, सीढ़ी के माध्यम से आप सर पे पहुंच पाते हो। ठीक भक्ति की उस लेवल की प्राप्ति के लिए आंखों से आंसू आना आपकी द्वितीय या तृतीय सीढ़ी बोली जाती है। ठीक है, अर्थात आपने एक स्टेप ऊपर चढ़ लिया है अगर आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं तो। और मैं जरूर आपके लाला का नाम रख दूंगी, आप मुझे मैसेज भेजिएगा। चलिए नेक्स्ट है राधे राधे दीदी। दीदी मेरे पास दो लड्डू गोपाल हैं, एक मटकी वाले गोपाल जी हैं और जिनकी सेवा मुझे करनी होती है। मैं सबको सुलाती नहीं हूँ, पीरियड्स में उनको भोग लगाना और सुला नहीं पाऊंगी, इसलिए उन्हें सुला नहीं पाती। मेरे पति तो टाइम नहीं लगता है और ना ही वो सेवा करना चाहते, 6-7 दिन के लिए कहीं जाना पड़ता, तो कृपा करके मुझे बताइए मैं क्या करूँ। देखिए अगर आपके घर पे मटकी वाले वो लड्डू गोपाल हैं तो उनको सुलाना आवश्यक नहीं है, जो वो मटकी लेके ऐसे बैठे रहते तो उनको सुलाना आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर कोई भी प्रतिमा आपके घर पे ऐसी है जिनकी आपने प्राण प्रतिष्ठा करी हुई है, उनको आपको भोग लगाने के साथ साथ सुलाना उठाना स्नान कराना भी चाहिए। पीरियड्स में आप उनको मंदिर से अलग हटा के रख लीजिए और पीरियड्स में मंदिर से अलग हटाने के बाद आप उनकी सेवा कर सकती हैं। ठीक है, सेवा में ये नहीं कि अगरबत्ती धूपबत्ती जलानी, केवल और केवल उनको भोग लगाना है, वस्त्र बदलने, बस इतनी ही सेवा पीरियड्स में आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरे दिमाग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बहुत नेगेटिविटी है और नकारात्मक विचार आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, घबराहट होती है, डर लगता है, चिंता होती है, मैं क्या करूं। सबसे पहले आप लेमन बाथ लीजिए, ठीक है, अपना ओरा क्लीन कीजिए बेटा, ओरा क्लीन कीजिए। जिसको भी नेगेटिव विचार आते हैं, जिसको भी नकारात्मक विचार आ रहे हो, उनको ओरा क्लीन करने की बहुत आवश्यक है। लेमन बाथ लीजिए, नींबू वाले पानी से आपको नहाना है, दैट इज कॉल्ड लेमन बाथ। नींबू वाले पानी से स्नान कीजिए, रात को सोते वक्त एक ग्लास पानी अपने सिराने रख के सोइए, सुबह सुबह वो पानी आपको थ्रू आउट कर देना, नाली वाली कहीं भी फेंक सकते हैं। रात को सोते वक्त एक ग्लास पानी जरूर अपने सिर, और रात को हमेशा अमावस्या को छोड़कर एवरीडे चांद देखिए, फोन नीचे रख के जाइए और चांद को देखते रहिए, देखते जो भी विचार आ रहे हैं आने दो, जो भी विचार जा रहे हैं जाने दो, लेकिन चांद को देखिए। 7 दिन बाद मुझे दोबारा मैसेज कीजिएगा, 100% रिटर्न ना मिले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा नाम सरिता है, मेरा नाम प्लीज बोलेगा। राधे राधे दीदी, मेरा को क्वेश्चन ये है कि तुलसी माता में जल डालते वक्त कौन से मंत्रों का आपको बोलना चाहिए। आपको तुलसी माता में जल डालते वक्त केवल इतना ही बोलना है, ओम तुलसी नमः, ओम तुलसी नमः, ओम तुलसी नमः, ओम तुलसाय नमः, बस ओम प्राण बल्लवाय नमः, ओम राधाय नमः, ठीक है ना, बस इतना ये चीजों का उपयोग करना है। या फिर तुलसी माता में जो मंत्र आपको सही लगे, राधे राधे भी बोल सकते हो, ओम प्राण, ओम प्राण बल्लवाय नमः, ओम तुलसाय नमः, तो इन शब्दों का आप उपयोग कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दीदी मैं 4 बजे उठती हूँ, मेरे को ये पूछना है कि 4 बजे उठने के बाद झाड़ू पोछा करना चाहिए या फिर मुझे नहाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं बिना नहाए किचन में नहीं जाना चाहिए। देखिए सबसे पहले जब आप 4 बजे उठते हैं, सबसे पहले तो हैट्स ऑफ है कि इस कलयुग में भी ऐसे लोग हैं जो 4 बजे उठ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आपको 4 बजे उठने के बाद सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू लगानी चाहिए। सबसे पहले उठते के साथ ही दोनों हथेलियों को देखिए, मैं इस पर कभी डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगी कि सबसे पहले अगर दैनिक दिनचर्या आपकी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों को देखिए, हथेली को देखने के बाद अपने मस्तक पे लगाइए, सिर पे लगाइए, उसके तत्पश्चात आपको मस्तक पे और सिर पे लगाने के बाद आपको पूजा घर का मुख्य द्वार खोलना है, घर के मुख्य द्वार के बाहर पानी डालना है थोड़ा बहुत, अगर फ्लैट्स में रहते हैं तो चौखट पे राइट लेफ्ट थोड़ा थोड़ा पानी डाल दीजिए। उसके तत्पश्चात पूरे घर में आपको झाड़ू लगानी होती है, फिर दातुन वगैरह सौंच इत्यादि करने के बाद स्नान करना चाहिए, स्नान के बाद फिर किचन घर में जाना चाहिए और किचन घर में फिर पोछा लगाना चाहिए। ठीक है, ये कार्य आपको अवश्य करने होते हैं। हाँ, किचन में खाना बिना नहाए नहीं बना सकते, लेकिन बिना नहाए झाड़ू पोछा किचन में कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में झाड़ू पोछा करने के लिए आपको स्नान अवश्य और अवश्य करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लेते हैं। मेरा क्वेश्चन, दीदी मेरा नाम डिम्पी है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे सपने में गुलाब का फूल दिखाई देता है तो उसका क्या संकेत है। सपने में अगर आपको गुलाब का फूल दिखाई दे रहा है तो ये शुभ संकेत है। माता लक्ष्मी का व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना वंदना भी आप कर सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी दीदी कब है, 17 या 18 तारीख को। पाप मोचनी एकादशी 18 तारीख को है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गई है। राधे राधे दीदी, विंटर आ गया है, लड्डू गोपाल को क्लीन कैसे करें, विंटर में हम क्या करें, ज्यादा गर्मी हो तो शाम को स्नान करा सकते हैं, विंटर नहीं बेटा समर आ गया है, ठीक है, सॉरी मैं आपकी मिस्टेक निकाल रही हूँ, लेकिन विंटर नहीं बोलते उसको, समर मतलब गर्मी को समर बोलते हैं, ठीक है। हाँ,
मैं भी अपने लड्डू गोपाल को जो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जून का महीना होता है, जेठ बैसाख का महीना होता है, तो लंगोट में ही रखती हूँ। आप भी अपने लड्डू गोपाल को लंगोट में रख सकते हैं। लड्डू गोपाल को आप इत्र की मालिश कर सकते हैं और वो इत्र ठंडा होना चाहिए। पूरे शरीर में चंदन लगा के रख सकते हैं, मस्तक पर चंदन लगा के रख सकते हैं, गुलाब जल डाल के स्नान करा सकते हैं, क्योंकि गुलाब जल की भी तासीर ठंडी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न है, मैं आपसे पूछती रहूंगी, शायद इसलिए मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा। दीदी मेरे पास पहले इतनी सारी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब मेरा घर बन गया है और वहां पे मैंने अपना मंदिर बनवा लिया है, और मंदिर में मैं नए भगवान की प्रतिमा रखना चाहती हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो पुराने भगवान की प्रतिमा है उनका क्या करूं। मेरे घर पे श्रीयंत्र भी है, अशुद्ध अवस्था में थी तब मैंने ये श्रीयंत्र रखा था, तो अब मैं क्या करूं, पुराने देवी देवताओं की मूर्तियों का क्या करूं, कृपया करके उचित मार्गदर्शन कीजिए। वैसे तो भगवान भाव के भूखे होते हैं, लेकिन मूर्ति भी अच्छी होती है तो उनका श्रृंगार भी अच्छा होता है, तो और भी आनंद आ जाता है। ये एकदम आपने सही कहा है कि अगर मूर्ति प्रतिमा अच्छी होती है, पहले तो इनको मूर्ति मत कीजिए, ये प्रतिमा है। मूर्ति वो होती है जिनमें प्राण नहीं होते हैं। जब हम प्रसाद की दुकान पर जाते हैं ना, तो कहते हैं 1 किलो पेड़े दे दो, लेकिन जब भगवान का भोग लग जाता है तो वो प्रसाद हो जाता है। ठीक है, तो आपके घर पे जो भी प्रतिमाएं हैं, अगर वो खंडित हो गई हैं, ध्यान से सुनिए, अगर वो खंडित हो गई हैं तो आप उनको पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा करके दबा सकती हैं। अगर वो खंडित नहीं हुई हैं तो आप किसी मंदिर में उनको दान दे सकती हैं। अगर उनमें कुछ ऐसी प्रतिमा है जो कागज के स्वरूप प्रतिमा है, जैसे ये कागज है ना, ऐसे कागज के स्वरूप प्रतिमा है, तो एक बाल्टी में पानी भर के थोड़ा सा गंगा जल डाल के, थोड़ा सा गुलाब जल डाल के उस कागज को आप पानी में डुबो दीजिए। धीरे धीरे वो कागज मेल्ट हो जाएगा, 5-6 घंटे लगेंगे, धीरे धीरे ये कागज पिघल जाएगा, गल जाएगा, उसके बाद इसको पौधों के अंदर डाल सकते हैं। तो एक ये तरीका भी होता है, बाकी जिसको आवश्यकता हो आप वो प्रतिमा उसको देख सकते हैं। लेकिन कोई कोई प्रतिमा बहुत पुरानी होती है, बहुत ज्यादा पुरानी होती है, अगर वो खंडित नहीं हुई है तो उनको अपने घर पे ही स्थान दीजिए। भगवान का विग्रह जितना ज्यादा पुराना होता है, भगवान की प्रतिमा जितनी ज्यादा पुरानी होती है उतनी ही ज्यादा पावरफुल होती है। अच्छा, किसी को फ्री में लड्डू गोपाल चाहिए तो मुझे बताइएगा, उस पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो फ्री में लड्डू गोपाल देते हैं, मैं उनके ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो आप लोग। राधे राधे दीदी, आपकी अध्यात्म चर्चा बहुत अच्छी लगती है, एक प्रश्न मेरा भी है, कृपया करके बताइए, लड्डू को मखाने का भोग लगा सकते हैं? लड्डू गोपाल मखाने के भोग के बहुत ज्यादा शौकीन है, अर्थात मखाना वो बहुत प्रेम से खाते हैं, मखाने की खीर बहुत प्रेम से खाते हैं, आप बिल्कुल लड्डू गोपाल को मखाने का भोग लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राधे दीदी, मेरा नाम सुमन है, मैं भिवाड़ी से हूँ, किसी कारणवश बाल ना धो पाए पूजा से पहले तो गंगा जल छिड़क के पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल, याचमन करके भी आप पूजा कर सकते हो, अपने बालों पे गंगा जल छिड़क के याचमन कीजिए, गंगा मैया का ध्यान कीजिए और सोचिए कि गंगा मैया के पानी से स्नान कर रहे हो, और हल्का सा गंगा जल छिड़क के भी आप स्नान कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राधे राधे दीदी, मेरा नाम राधिका है, मेरा प्रश्न यह है कि लड्डू गोपाल को पहले बच्चों के साथ कमरे में सुलाती थी, लेकिन मैंने 3 दिन पहले आपका वीडियो सुना कि रात को बाकी बिहार जी निधि बन जाते हैं, इसके लिए हमें लड्डू गोपाल को किसी ऐसी जगह सुलाना चाहिए जहां हम उन पर नजर ना पड़े, तो मैंने मंदिर में सुलाना शुरू कर दिया, क्या ये ठीक है? एकदम सही है, बाकी बिहारी जी रात को सच्ची में निधि बन जाते हैं, और ये आपको पता ही है कि सारे लड्डू गोपाल बाकी बिहारी जी का ही स्वरूप है और सारे लड्डू गोपाल निधि बन जाते ही हैं। तो फिर आपको एक ऐसी जगह पे उनको सुलाना चाहिए, वहां पे कूलर पंखे की व्यवस्था गर्मियों में करनी चाहिए, सर्दियों में हीटर की व्यवस्था करनी चाहिए, और एक उचित जगह पे उनको सुलाना चाहिए, यहाँ पे हम अपनी निगाहें ना डाल सके, क्योंकि भगवान की भी अपनी कोई प्राइवेसी होती है, जैसी आपकी कुछ प्राइवेसी है ना, वैसे ही भगवान की भी कोई प्राइवेसी है। सब कुछ पारदर्शित नहीं करना चाहिए, माना कि हमारा उनका रिश्ता कुछ अलग है, लेकिन सब कुछ पारदर्शी नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, बाकी बिहार जी का मंत्र जाप कर सकते हैं? बाकी बिहार जी का कौन सा मंत्र है आप मुझे बताइए। बाकी बिहार जी का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है। दीदी जैसे सड़क पर पैसे पड़े हो तो उनको उठा सकते हैं, अगर सड़क पर पैसे पड़े हैं तो उनको उठा सकते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट उसका आपको मंदिर में दान अवश्य करना चाहिए। हमारा आंसर पहले दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में देते तो हम सुन नहीं पाते। मैं सबका आंसर देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि सबका ही प्रश्नों का उत्तर दूं, लेकिन आगे पीछे हो जाता है, आपको पूरी वीडियो देखनी होती है। घर में कौन सी भागवत किताब पढ़ सकते हैं कृपया जरूर बताइए। शिव महा
महापुराण हो गई, भागवत महापुराण हो गई, गीता हो गई, ये सब घर पे पढ़ सकते हैं। आप सारे पुराण घर पे पढ़ सकते हैं, बिसरते उनके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को फॉलो जरूर करना चाहिए। दीदी क्या पीपल के पेड़ पे संडे को जल चढ़ा सकते हैं? नहीं, पीपल के पेड़ पे और तुलसी पे संडे को जल नहीं चढ़ाया जाता। दीदी शालिग्राम भगवान कहाँ पर मिलेंगे? शालिग्राम भगवान नेपाल में, नेपाल की जो गंडिका नदी है उसमें मिलते हैं। असली शालिग्राम भगवान वहीं से ही प्राप्त होते हैं। आपने बड़े सारे प्रश्न पूछ लिए और मैंने बड़े सारे प्रश्नों के आपको उत्तर दे दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं 16 सोमवार का व्रत कब से स्टार्ट कर सकती हूँ? 16 सोमवार का व्रत सावन आएंगे तब स्टार्ट कीजिए। इस बार तो सावन महाराज 2 महीने के हैं, तो इस बार से आप 16 सोमवार का व्रत जरूर और जरूर स्टार्ट कीजिएगा। राधे राधे आशु जी, आप और आपका परिवार कैसा है? मैं बहुत अच्छी हूँ। आशु जी मैं आपकी वीडियो जून 2022 से देख रही हूँ। हम लड्डू गोपाल को लेकर आए थे। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी प्रश्नों के उत्तर की सीरीज स्टार्ट करी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि सीरीज आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही है। मेरा प्रश्न का उत्तर तो मिल गया। मेरा एक प्रश्न यह है कि रुद्राक्ष पहनना चाहती हूँ, क्या लहसुन प्याज की सब्जी खाने पर रुद्राक्ष पहन सकते हैं? पीरियड्स में पति के साथ संबंध बनाने पर रुद्राक्ष पहन सकते हैं? मैं कच्चा लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ। बबीता जूनागढ़ से, रुद्राक्ष सोने की चैन में पहन सकते हैं या नहीं? मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी गोल्ड की चैन है और मैंने रुद्राक्ष पहन रखा है। ये देखिए, ये मेरी गोल्ड की चैन है और गोल्ड में ही मैंने रुद्राक्ष बनाया हुआ है और ये मैंने रुद्राक्ष पहन रखा है। रुद्राक्ष पहनकर आप, ऐसा नहीं है कि लहसुन प्याज का, वैसे तो मैं कह रही हूँ कोई भी माला, तुलसी माला होगी, रुद्राक्ष हो गई, कोई भी धार्मिक चीजें पहनने के बाद लहसुन प्याज खाने की मनाही होती है, लेकिन इमरजेंसी में अगर आपको खाना पड़े तो खा सकते हैं, लेकिन कच्चा लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना है। इमरजेंसी में खाना पड़े तो कोई पाप नहीं कर रहे हो आप लहसुन प्याज खा के। दूसरी बात, रुद्राक्ष पहन के पति के साथ संभोग कर सकते हैं। रुद्राक्ष और तुलसी माला पहनकर हम अपने पति के साथ संभोग कर सकते हैं, क्योंकि हम पति के साथ संभोग कर रहे हैं तो कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं। तो आज की वीडियो यहीं से मैं समाप्त करती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा।